श्रद्धा का प्रतीक है, जल जो है वह श्रद्धा का प्रतीक है, और उसी में वह क्षेत्र वह नगर जो है वह पवित्र होता हुआ चला जाएगा, बाधा ना आए। परमात्मा चेतना जो इसमें हम आवाहन करेंगे उनका, और वो है आपके सर के ऊपर विराजमान होकर के इस नगर का भ्रमण करेंगे, वह यहाँ पे शांति का वातावरण बनाएंगे, आपसी भाईचारा बना जाता है, तो कलश का पूजन हम जरूर करते हैं। और कलश से क्या है, कौशल लावण और सौर ये तीनों मिल करके तब कलश बनता है। इस कलश को हम धारण करेंगे, आइए हम जिन देवताओं का आवाहन करेंगे, पूजन करेंगे, सभी लोग हाथ अपने अपने कलश को आप लोग भी स्पर्श कीजिए। पुनरमा विशताद्रयहि हो रहे हैं, जल तो है लेकिन जल जो है स्थूल है, सूक्ष्म रूप से वह देवता है वरुण। अब हम हमारे गुरु कोई हम व्यक्ति नहीं होते, ये भी गुरु है, यहाँ जो तस्वीर दिख रहे हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, और गुरु माता है भगवती देवी, बंदनिया माता भगवती देवी सर हमारे संस्थान गुरु की वंदना करते हैं। मतु समान कोटि कोटि सत नमन प्रभु युग ऋषि संत, क्यों ना गुरु को करे हम नमन, आओ गुरु को करे हम नमन, तो भी हॉल में अपने भाग लेने
कोई है तो भीखा मांगो दी, भीखा मांगो दी दक्षिणा, दक्षिणा प्रथा मांगो दी, श्रद्धया सत्य मांगो। ऐसे सिर धारण करो हमारे हो जाए, कलश सिर धारण करो, बोली कलश देव दा की जय हो। क्या दीजिए बहुत अनुशासन से चले, तीन की लाइन बड़ी बड़ी सुंदर धीरे धुमकती धुमकती चलना है और राधे कृष्ण गोविंद गोविंद करना है, ठीक है ना। अभी रूप लगाइए, कैसे आपको चलना है गीत के माध्यम से खत्म राते राते लिखी दियो बात चैनल पर जा और खत्म राते राते लिखा 5 मिनट के लिए लाइव बिग माइंड आया ताकि चैनल की ग्रोथ बटे लगेगी लोग हां दोनों साइड हो जी का ला मेहनत ना।
Thank you.
जीवन मजा न देगा और पीढ़ी मजा न देगी हर मजा तस्मै श्री गुरुवे नमः।